नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय के इस सीरीज में तीसरे चैप्टर की बात करेंगे, अर्थात ऋतुचर्या जो अध्याय है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था दिनचर्या, तो उसमें हम लोगों ने सुबह उठने के पश्चात या था जो 24 घंटे की जो रूटीन होती है हम लोग की डेली रूटीन, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और उसको अच्छे से समझा। आज हम लोग देखेंगे ऋतुचर्या, अर्थात हम लोग की जो चर्या या जो रूटीन होती है अकॉर्डिंग टू सीजन्स, सीजनल जो एक्टिविटी होती है कि किस ऋतु में किस तरह का हम लोग को रहना चाहिए, कैसे घरों में रहना चाहिए, किस तरह का खान पान होना चाहिए और कैसा आहार विहार होना चाहिए, इस तरह की चीजों के बारे में हम लोग इस में बात करेंगे इस ऋतुचर्या में। तो ऋतुचर्या में हम लोग 6 ऋतुओं के बारे में अर्थात शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इस ऋतु से संबंधित हम लोग मुख्य बात करेंगे। लेकिन उसको बात करने से पहले बेसिक चीजें बात करते हैं कि ऋतु में क्या होती है, किस तरह से निर्माण होता है, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि इसी तरह का वर्णन आपके चरक संहिता में ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जब आप लोग जाएंगे चरक संहिता का सूत्र स्थान का जो 6ठा चैप्टर है अर्थात तस्याशीति अध्याय, उसमें हम लोग एक एक ऋतुओं का वर्णन स्पेसिफिक रूप से वर्णित है। वहां पर हमने देखा कि ज्यादा साइंटिफिक या स्पेसिफिक तरह से चरक ने एक्सप्लेन किया है। वाग्भट की तुलना में चरक ने ऋतुचर्या को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वो अलग बात है कि वहां पर चरक में पूछा जाएगा और यहाँ पर अष्टांग हृदय है, वाग्भट है, तो जिसके अकॉर्डिंग पूछेगा ऋतुचर्या उसके अकॉर्डिंग लिखना है, मींस जिसमें पूछेगा उसमें लिखना है। तो हम लोगों ने अलग अलग किया है, फिर भी आप वहां जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में तस्याशीति अध्याय चरक संहिता सूत्र का 6ठा चैप्टर, उसमें एक एक करके वर्णन है। आइए शुरू करते हैं हम लोग ऋतुचर्या। ऋतुचर्या में हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखेंगे षड ऋतु वर्णन, जो आपके सिलेबस में है षड ऋतु वर्णन, अर्थात 6 ऋतुओं का वर्णन। एक बेसिक चीज है कि 6 ऋतुओं का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ देखेंगे कि 6 ऋतुएं बनती कैसे है उसके बारे में बोला गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं 6 ऋतु कौन कौन सी है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये 6 ऋतुएं हैं। इनका निर्माण कैसे होता है तो इसके बारे में दिया हुआ है। मासैर द्वि संख्याए माघ आधे क्रमाद षड ऋतुए स्मृता, अर्थात यहां दिया है कि मास मतलब महीना। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो हिंदी का जो महीना होता है या माह होता है, अभी भी अगर हम आप लोग को नहीं पता है तो आप अपने मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से, दीदी से, जो भी वरिष्ठ हैं उनसे पूछ सकते हैं कि हिंदी का महीना कौन कौन सा होता है, तो बताएंगे कि माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष। तो इस तरह से 12 महीने होते हैं, इस तरह से 12 महीने होते हैं हिंदी के 12 महीने होते हैं। तो माघ से स्टार्ट किया है, तो माघ देखिए यहाँ पर उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर दो दो माह के अर्थात माघ और फागुन को मिलाकर हम लोग का शिशिर ऋतु का निर्माण होता है। माघ फागुन के बाद चैत्र वैशाख, माघ फागुन चैत्र वैशाख, चैत्र वैशाख अर्थात दो दो माह या दो महीने को मिलाकर, हिंदी के दो महीने को मिलाकर शिशिर के बाद बसंत ऋतु का निर्माण होता है। तो यही बात ये कहना चाह रहे हैं कि मासैर द्वि संख्याए अर्थात दो मास को मिलाकर, दो महीने को मिलाकर या दो मास को मिलाकर हम लोग की क्रम से एक एक ऋतु का निर्माण होता है। अगर बात करें कि यहाँ पर शुरुआत माघ से कहा है, माघ से मासैर द्वि संख्याए माघ आधे, माघ आदि, माघ आदि मतलब माघ प्लस फागुन, फागुन मतलब होली का महीना जिसको कहते हैं ना फागुन, तो माघ फागुन, माघ आदि मतलब माघ प्लस फागुन मिलाकर आपका क्रम से 6 ऋतु अर्थात माघ फागुन मिलाकर शिशिर ऋतु, चैत्र वैशाख को मिलाकर, चैत्र प्लस वैशाख मिलाकर कहेंगे तो शिशिर के बाद शिशिर बसंत ऋतु, इस तरह से 6 ऋतुओं का निर्माण होता है। तो बोला गया है कि माघ आदि क्रम से दो ऋतुओं को मिलाने पर हम लोग के क्रम से 6 ऋतुओं का निर्माण होता है। वो ऋतुएं कौन कौन सी हैं तो देखेंगे, यहाँ पर दिया है शिशिरो अथ शिशिर, बसंत, बसंतश्च मतलब बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हिमा, हिमा मतलब हेमंत। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दो महीने अर्थात माघ से शुरू करके हम लोग जब बढ़ते हैं दो दो महीने को मिलाकर या दो दो मास को मिलाकर, तो क्रम से 6 ऋतुओं का निर्माण होता है जिसको हम लोग शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत कहते हैं। ये 6 ऋतुएं होती है।
अब बात करते हैं कि ये छह ऋतुएं हैं, तो हम लोग चरक संहिता में देखा था कि कौन सी आदान काल की ऋतु है, कौन सी विसर्ग काल की ऋतु है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो तीसरी लाइन क्या बता रहा है कि शिशिर आदि, शिशिर आदि, शिशिर आदि तीन ऋतु है, शिशिर आदि त्रिभिस तैस्तु, शिशिर अर्थात शिशिर बसंत ग्रीष्म, शुरू के तीन ऋतु है, शिशिर को स्टार्ट करके तीन ऋतु जो होती है, शिशिर बसंत ग्रीष्म, ये शिशिराद्य त्रिभिस तैस्तु विद्या एनम विद्यात एनम उत्तरम। अयन का मतलब होता है मार्ग, अयन का मतलब होता है मार्ग या रास्ता, जिसका मार्ग या रास्ता उत्तर की तरफ होता है। अर्थात हम लोग कहते हैं कि जब सूर्य की गति, सूर्य का जो मूवमेंट या जो जो गति होती है, अगर उत्तर दिशा में होगी, जब सूर्य की गति उत्तर दिशा में होती है, अर्थात जो शुरू के तीन ऋतुएं, ये छह ऋतुएं हैं जिसमें शिशिर बसंत ग्रीष्म के समय जो सूर्य की जो गति होती है, जो उसके डायरेक्शन होता है मूवमेंट का, वो अयन उत्तरम अर्थात उत्तर दिशा में होने की वजह से, शुरू के तीन ऋतु में उत्तर दिशा में होने की वजह से होता है, होने से क्या होता है, उसे हम आदानम च तथा तत्ते, उसे हम आदान काल कहते हैं। तो कहने का मतलब आदान काल किसे कहते हैं, आदान काल में होता क्या है कि सूर्य की जो गति होती है वो अयन अर्थात गति उत्तर दिशा में होती है, और उसमें तीन ऋतुएं शुरू की आती है, शिशिर बसंत ग्रीष्म, शिशिर आदि तीन ऋतुएं अर्थात शिशिर बसंत ग्रीष्म तीन ऋतु आती है आदान काल में। तदा तत्ते नृणाम प्रतिबलम, तद आदत्ते नृणाम प्रतिबलम प्रतिदिन बलम। और आपने देखा होगा शिशिर के बाद बसंत, बसंत के बाद ग्रीष्म, शिशिर के बाद बसंत, बसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म मतलब भयंकर गर्मी। तो देखेंगे ठंड से धीरे धीरे हम गर्मी की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे शरीर में बल का ह्रास होता है। तो यही कह रहा है कि तद आदत्ते, तो क्या करता है ये, इस आदान काल में होता क्या है कि जो सूर्य होता है, या सूर्य जो होता है प्राणी के बल को वो खींच लेता है। तो जैसे जैसे देखेंगे, जैसे जैसे हम लोग शिशिर से बाद बसंत, बसंत के बाद ग्रीष्म जाएंगे, आदान काल की तीन ऋतु होगी, शिशिर बसंत ग्रीष्म, उसमें एक एक कर जब आगे बढ़ेंगे तो ये तद आदत्ते मतलब ले लेता है नृणाम प्रतिदिनम बलम, प्रतिदिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्राणी का बल धीरे धीरे वो सोख जाएगा, खींच लेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। इसका मतलब जो प्राणी होंगे वो दुर्बल होते जाते हैं। तो गर्मियों में देखते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाते, थक जाते हैं, श्वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये बोला गया है। अब इसके बाद देखेंगे बल का उपचय अपचय काल, तो उसके बाद ऐसा है हेडिंग आया बल का उपचय अपचय काल। तो देखेंगे कि यहां पर दिया हुआ है कि किस तरह से बल का उपचय, अर्थात उपचय का मतलब वृद्धि, अपचय मतलब क्षय। तो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग का बल कब, हम लोग के शरीर में बल किस ऋतु में बढ़ेगा और किस ऋतु में बल घटेगा, इसके बारे में क्या बोलते हैं वहां पर, तस्मिन ह्य अत्यर्थम तीक्ष्ण उष्ण रुच्छा मार्ग स्वभावतः। तस्मिन मतलब उस काल मतलब आदान काल में, तस्मिन मतलब उस काल में, उस काल मतलब आदान काल की बात कर रहा है, ठीक है ना, आदान काल की बात कर रहा है। तो यहां पर क्या बोला गया है कि तस्मिन मतलब उस काल में अर्थात आदान काल में, जब जिसकी तीन ऋतु है शिशिर बसंत ग्रीष्म है, उसमें प्राणी का बल प्रतिदिन घट रहा है, क्यों घट रहा है इसके बारे में बोला है, तस्मिन उस काल में मार्ग स्वभावतः, मार्ग स्वभावतः मतलब कि सूर्य की जो गति होती है वो कहां पर है, वो उत्तरायण है, सूर्य की गति उत्तरायण है, मार्ग स्वभावतः मतलब सूर्य की जो गति है, दिशा है उत्तरायण है, उत्तर दिशा में होने की वजह से, साथ ही साथ क्या है, अत्यंत तीक्ष्ण उष्ण उष्ण और रुच्छ, अत्यंत साथ ही साथ अत्यंत तीक्ष्ण उष्ण और रुच्छ जो आदित्य पवन है, आदित्य मतलब सूर्य होता है, पवन मतलब वायु, तो सूर्य और पवन, अत्यंत सूर्य और मतलब सूर्य और आदित्य मतलब सूर्य, पवन मतलब वायु, सूर्य और वायु के अत्यंत तीक्ष्ण होने से, उष्ण होने से, रुच्छ होने से क्या होता है, ये जो सौम्य होता है, जो तरह से जो सौम्यता होती है, जो स्निग्धता होती है, जो प्राणी और पृथ्वी पे जो स्निग्धता होती है, या कह सकते हैं चंद्रमा की स्निग्धता होती है, उसको ये क्या करता है, छपयंती गुणान भूव, पृथ्वी की जो स्निग्धता होती है उसको छपयंती मीन्स उसको क्षय कर देता है। तो आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में, इस आदान काल में,
सूर्य की गति उत्तर दिशा में होने की वजह से, सूर्य बहुत बलवान होने की वजह से, सूर्य बहुत गर्म होने की वजह से क्या करता है कि ये पृथ्वी के जो सौम्यता होती है, जो स्निग्धता होती है, सोख लेता है। तो पृथ्वी पे जो भी जीव होते हैं, हम लोग जो हैं, वो कहीं ना कहीं स्निग्धता से हम लोग देखते हैं ड्राइनेस आ जाती है, रुक्षता आ जाती है, बढ़ जाती है, हम लोग की स्निग्धता समाप्त हो जाती है। स्निग्धता को बनाए रखने के लिए हम लोग वैसलीन या डिफरेंट टाइप के मॉइस्चराइजर यूज करते हैं जो कि स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, तो ये बोला गया है। और उसके बाद क्या कर रहा है कि इसी आदान काल के बारे में बता रहा है कि तिक्त कषाय कटुके बलिनो बलिनो अत्र रसा क्रमात्। जब ये स्थिति होती है तो आदान काल में मुख्य तरफ से जो रुच रस होते हैं, तिक्त कषाय कटु, ये तीन रस बलवान होते हैं। तीन रस तिक्त कषाय कटु, ये तीन रस बलवान होते हैं, जो कि क्रम से ये बलवान होते हैं शिशिर वसंत ग्रीष्म में। उसको देखेंगे तस्मात आदान आग्नेयम्, इसलिए आदान काल को आग्नेय काल भी कहा गया। तस्मात आदानम आग्नेयम्, इसीलिए आदान काल को आग्नेय काल बोला गया। आग्नेय मतलब अग्नि, आग्नेय मतलब अग्नि, तो आग्नेय या आदान काल में सूर्य बलवान है, सूर्य की अग्नि बलवान है, सूर्य के ताप बहुत ज्यादा है गर्मी की ऋतु में, इसलिए इसको आग्नेय काल बोला गया है। तो ये समझ में आया होगा, ये तो बात थी आदान काल की। अब आते हैं कि विसर्ग काल के बारे में बात करते हैं। तो देखेंगे ऋतवो दक्षिण अयनम, ऋतवो दक्षिण अयनम, तो यहाँ पर तीन ऋतुएं तो आदान काल की थी, कौन कौन से, शिशिर वसंत ग्रीष्म, उसके बाद देखेंगे वर्षादियो विसर्गश, वर्षा आदि अर्थात वर्षा शरद हेमंत। यहाँ पर क्या है, वर्षा शरद हेमंत, VSH, VS, वर्षा शरद हेमंत आदि तीन ऋतुएं जो है विसर्ग विसर्ग काल की ऋतुएं बोली जाती है। विसर्ग यद बलम विसृजत्य, और ये क्या करती है कि ये तीन ऋतुएं दक्षिणायन की ऋतुएं होती हैं। दक्षिणायन की ऋतुएं कौन सी है, उत्तरायण की ऋतुएं कौन सी थी, शिशिर वसंत ग्रीष्म, दक्षिणायन ऋतुएं वर्षा आदि तीन अर्थात वर्षा शरद हेमंत, तीन ऋतुएं दक्षिणायन की है। ये ऋतुएं क्या करेंगी, इस काल में क्या होता है, विसर्ग करती हैं, फैलाती हैं, विसर्ग मतलब फैलाती हैं। यद बलम विसृजत्यम, प्राणियों को बल देती हैं, प्राणियों को विसर्जित करती हैं, बल देती हैं, बलम विसृजत्यम, ठीक है ना, उसको देखेंगे। और ये कैसे होता है, तो सौम्य सौम्यत्व आदत्रम सोमो ही बलवान हीयते। और इस काल में अर्थात दक्षिणायन, जब सूर्य की गति दक्षिण दिशा में होती है, जिसको हम लोग दक्षिणायन कहते हैं, उस समय क्या होता है, जो जो सोमो, सोम मीन्स चंद्रमा, सोम मतलब चंद्रमा की जो सौम्यता होती है, या सौम्य चंद्रमा क्या होती है, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, तो वो क्या होती है, बलवान होती है। तो चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, और चंद्रमा अगर बलवान रहेगा तो क्या करेगा, शरीर जो प्राणियों में जो स्निग्धता है वो बरकरार रहेगी, ज्यादा ज्यादा स्निग्ध रहेंगे प्राणी जो है, स्निग्ध रहेंगे और बलवान हीयते रवि। और क्या कहते हैं कि जो रवि होता है, सूर्य होता है, वो दुर्बल होता है। तो इस समय जो है दक्षिणायन में जो रवि होता है वो क्षीण हो जाता है और चंद्रमा बलवान हो जाती है। और उसके बाद देखेंगे क्या होता है कि जब फिर उसके बाद मेघ अर्थात बादल, मेघ मतलब बादल, वृष्टि मतलब वर्षा, और अनिलय शीतय, शीतल वायु के द्वारा, अर्थात बादल वृष्टि मतलब वर्षा अनिलय शीतय शीतल वायु के द्वारा शांत तापे मही तलय। मही तलय मतलब होता है जो पृथ्वी का जो तल होता है, पृथ्वी का तल आप देखते हो गर्मियों में कितना ज्यादा तपता है, गर्मी मतलब ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म के बाद वर्षा आता है, इसलिए वर्षा आदि बोला गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बादल आ जाते हैं, बारिश होती है और शीतल वायु बहती है, तो उसकी वजह से शांत ताप है, मही तल है, पृथ्वी का जो तल होता है, पृथ्वी जो होती है धीरे धीरे शांत हो जाती है, अर्थात तो उसका जो तापमान होता है धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, ठंडक ठंडक बढ़ने लगती है। उसके बाद देखेंगे कि इस समय कौन सा रस बलवान होता है इस दक्षिणायन वाले में या विसर्ग काल में, तो देखेंगे स्निग्ध, जो स्निग्ध रस होते हैं जैसे अम्ल लवण मधुर, अम्ल लवण मधुर जो कि स्निग्ध रस वाले जो होते हैं बलवान होते हैं, ये रस बलवान होते हैं, तो समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि किस ऋतु में व्यक्ति का बल सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर एक लाइन में श्लोक उन्होंने दे दिया कि
सीते अग्नि, अग्नि का मतलब यहाँ पर तीक्ष्णता से है, तीव्रता से है, अग्नि का मतलब तीक्ष्णता तीव्रता से है। तो शीत का मतलब होता है दो ऋतु, जो शीत की ऋतु कौन सी होती है, शिशिर और हेमंत। शिशिर और हेमंत जो ऋतु होती है उसमें अग्नि जो प्राणी का बल होता है सबसे ज्यादा होता है। तो अग्नि मतलब यहाँ पर क्या है कि ज्यादा तीव्र। तो शीत ऋतु में जो प्राणी का बल है, ये प्राणियों के बल की बात की गई इसमें, शीत ऋतु में अर्थात हेमंत और शिशिर ऋतु में प्राणी का बल अग्नि अर्थात सबसे ज्यादा होती है। वृष्टि घर में अल्पम, वृष्टि अर्थात वृष्टि मतलब कहते हैं ना वृष्टि पड़ रही है, वृष्टि ओले पड़ रहे हैं सब, बारिश, वृष्टि मतलब वर्षा ऋतु। घर मतलब क्या होता है, घर मतलब होता है घमौरी, घमौरी कब होती है तो देखते हैं गर्मी में। तो वृष्टि मतलब वर्षा ऋतु, घर मतलब गर्मी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। घर मतलब ग्रीष्म ऋतु में जो प्राणियों का बल अल्प होता है, तो क्लियर कट है कि बरसात और गर्मियों में प्राणी का बल अल्प होता है। उसके बाद देखेंगे मध्यम तु शेषाणी, तो जो शेष दो है शरद और शेष दो ऋतु में होती है उसमें प्राणियों का बल मध्यम होता है। तो सबसे ज्यादा प्राणी का बल किसमें होता है, शीत ऋतु में, शीत मतलब हेमंत और ग्रीष्म, हेमंत और शिशिर में, और किसमें मध्य अल्प होता है, वृष्टि अर्थात वर्षा, और घर मतलब ग्रीष्म ऋतु में प्राणी का बल अल्प होता है और किसमें मध्यम होता है। तो इसके अलावा जो चार कलाओं जो दो शेष बचती है उसके अलावा उसमें ये मध्यम होता है। आइए बात करते हैं कि जब हम लोगों ने सामान्य रूप से षड ऋतुचर्या की बात कर लिया, षड ऋतु का वर्णन कर लिया कि आदान काल की ऋतु कौन कौन सी होती है, उसमें कौन बलवान होता है, सूर्य बलवान होता है, चंद्रमा बलवान होता है, उसके बाद विषर काल की ऋतु अर्थात दक्षिणायन की बात कर लिया, उसमें कौन कौन से रस की प्रधानता होती है उसके बारे में बात करने के बाद आते हैं हम लोग अब दूसरा पॉइंट जो है। पहला पॉइंट षड ऋतु वर्णन था, अब देखेंगे ऋतुचर्या का विस्तृत वर्णन। अब एक एक ऋतु का विस्तृत वर्णन पढ़ने को बोला गया है। तो यहाँ पर छह ऋतु था, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। अब एक एक ऋतु के बारे में हम लोग ऋतुचर्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हेमंत ऋतुचर्या पढ़ेंगे। जैसा कि जानते हैं हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु एक तरह से ठंड की ऋतु है। हम लोग जानते हैं हेमंत ऋतु में खूब जठराग्नि बड़ी होती है, खूब कचौड़ी पकौड़ी सब, मतलब आलू के पराठे हो, गोभी के पराठे हो, मटर है पर मतलब एक तरह से सब्जी होती है, खूब गरिष्ठ चीजें खाते हैं, पिष्टी चीजें खाते हैं, बहुत से अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, मतलब यहाँ पर भूख बहुत अच्छी होती है, जठराग्नि बहुत प्रदीप्त होती है, तो उसी से संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे कि होता क्या है कि हेमंत ऋतु जगह में क्या बोला है वाग्भट ने, दैर्ध्य निशान मेहती प्रातरेव भूचितर। तो देखते होंगे कि ठंड के ऋतुओं में, शीत ऋतुओं में रात्रि कैसी होती है, छोटी की बड़ी होती है, रात्रि बहुत लंबी होती है, इसलिए कहा है दैर्ध्य निशा, दैर्ध्य मीन्स दीर्घ मतलब लंबी, रात्रि लंबी होती है, निशा मीन्स रात, दैर्ध्यात निशा अर्थात रात्रि लंबी होने की वजह से इतर ही प्रातरेव बभूचित, हमें जल्दी सुबह भूख लग जाती है। तो चरक वापर ने क्लियर कट पहले लाइन बोल दिया कि रात्रि लंबी होने की वजह से आप देखते हो ठंड के मौसम में जल्दी ही हम लोग को कुछ ना कुछ चाय पकौड़ी नाश्ता जो भी मतलब उस समय मिले खाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल्दी भूख लग जाती है, फिर सोने के बाद तुरंत भूख लगती है। तो आपने देखा होगा दैर्ध्य निशा अर्थात रात्रि लंबी होने की वजह से प्रातरेव जो है शीघ्र ही भूख लग जाती है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सुबह उठे तुरंत खाना खा लेंगे, उसके पहले और बहुत सी क्रियाएं हैं, शौच है इत्यादि, स्नान है इत्यादि, सब कुछ है, तो उसके देखेंगे। इसलिए कहा है कि अवश्य कार्यम संभाव्यम यथोक्तम शीलिए शीलिएत अनु। देखेंगे आवश्यक कार्य अर्थात उठने के बाद, जब आपने उठा रात लंबी थी आपने सुबह उठे, तो आवश्यक कार्य अर्थात मलमूत्र का त्याग इत्यादि जो भी चीजें हैं उसको आवश्यक कार्य बोला गया है, उसको जो यथासंभव है उसको करने के बाद, मलमूत्र अर्थात शौच करने के बाद, पहले लाइन दूसरे लाइन क्या रहा है, शौच की बात कर रहा है, उठने के बाद क्या करना है, रात्रि लंबी हो रही है तो वहां उठना है, जल्दी भूख लग जाती है तो खाना तो है नहीं, पहले हम लोग शौच करेंगे, शौच करेंगे मतलब कि जो भी आवश्यक हो क्रियाएं होती है सुबह वो करेंगे। तीसरे लाइन क्या बता रहा है, जब शौच करने के बाद क्या करना है, ये पूरा हेमंत ऋतुचर्या के बारे में है। तो क्या करना है कि उस समय क्या करना है, वातनाशक वातग्नम तैल अभ्यंगम, वातनाशक तैलों से अभ्यंग करना अर्थात मालिश करना शरीर पे, शौच करने के बाद की बात चल रही है। उसके बाद क्या है, मूर्धि तैलम, मूर्धि तैल अर्थात सिर पर तैल रखेंगे, और देखेंगे विमर्दनम, विमर्दन मतलब होता है शरीर का मर्दन कराएंगे, तो शरीर कराएंगे और साथ ही साथ क्या कराएंगे, तो देखते हैं ये सब कराने के बाद नियुद्धम कुशल स अर्घ अर्थात नियुद्धम कुशल मीन्स कुश्ती लड़ेंगे, कुश्ती लड़ने की बात कर रही है, नियुद्धम कुशल स अर्धम। हम लोगों ने व्यायाम में भी पढ़ा था कि अपनी शक्ति के
आधे बल के अनुप्रमाण में ही व्यायाम करनी चाहिए, वो भी शीत ऋतु में। तो यहाँ पर शीत ऋतु की बात चल रही है, हेमंत ऋतु, इसलिए करा स अर्धम, अर्थात कुश्ती भी कितनी लड़नी चाहिए, अपने आधे बल के बराबर कुश्ती लड़ने की बात कही है। जब कुश्ती लड़ ले उसके बाद पाद घातम च युक्तित, तो उसके बाद क्या है, पैरों से किसी अन्य के द्वारा पैरों से शरीर को दबवाना चाहिए। पाद घातम मीन्स होता है पैरों को, मतलब शरीर को पैरों के द्वारा उसको दबवाना चाहिए। ये होने के बाद एक्चुअली हम लोग को ये पढ़ना है, ठीक है ना, ये पढ़ना है एक्चुअली, ये बीच ये चीज इससे पहले आ गया था, लेकिन हम इसको कंटिन्यू पढ़ लेते हैं पहले, इसके बाद ये पढ़ लेते हैं। हेमंत ऋतु में स्नान भोजन आदि की व्यवस्था, तो ये चीजें अभी कुश्ती लड़ा है, मतलब सुबह उठा है, पहले आदमी सुबह उठा, रात लंबी थी, भूख लग गई है, ठीक है, अभी खाना नहीं खाया है। दूसरा आदमी कह रहा है कि आवश्यक कार्य, उठने के बाद क्या होता है, शौच मलमूत्र का त्याग करेगा, तो ये चीजें आवश्यक जो कार्य उसको करेगा। तीसरा बता रहा है कि जब मलमूत्र त्याग करने के बाद वातनाशक तैलों से अभ्यंग और सिर पर मूर्धि तैल अर्थात सिर पर तैल रखना है, विमर्दन कराना, शरीर को मर्दन कराना है, और साथ ही साथ चौथा लाइन बता रहा है कि युद्ध लड़ना अर्थात कुश्ती लड़ना, थोड़ा शरीर का व्यायाम हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए, वो भी आधी शक्ति से, और उसके बाद पाद घातम और पैरों से शरीर को मर्दन कराना है। उसके बाद देखेंगे कंटिन्यू, या देखेंगे हेमंत ऋतु में स्नान आदि भोजन। तो ये जब ये आप कुश्ती उश्ती लड़ के आएंगे तो क्या करेंगे कि अब शरीर पे तेल खूब लगा हुआ है भाई, तेल सर पे रखे हैं, शरीर में तेल लगाए हैं, तो क्या करेगा, कषाय अपृतम स्नेहतस्तर, कषाय मतलब किसी चूड़ से, कषाय का मतलब चूड़, कषाय का मतलब यहाँ क्या है, चूड़, कषाय अपृतम, अपृत मतलब कषाय अर्थात चूड़ के द्वारा, अपृत मतलब हटाना है क्या, स्नेहस्तर शरीर पे लगा हुआ जो तेल है, नहाने से पहले हम लोग देखते हैं ना, फिर अच्छे से उसको तेल को निकाल देते हैं, नहीं तो हम लोग का वो फिर नहीं साफ होता है। तो कषाय अपृतम अपहृतम हित स्नेहस्त स्नातो यथा विधि, उसके बाद क्या करना है, विधि पूर्वक स्नान करना है। तो विधि पूर्वक स्नान करना है, जो भी शरीर में तेल लगा है उसको कषाय अथवा चूड़ के द्वारा हटा देने पर, उसको देखेंगे। जब स्नान व्यक्ति कर लेगा तो क्या होगा, दूसरा क्या करा है, कुमकुमेव सदर्पणे प्रदीप्तो अवरुधूपितः, तो शरीर पे सुंदर कुमकुम अर्थात केसर का लेप लगाना है। स्नान करने के बाद हम लोग परफ्यूम डालते हैं, सुगंधित द्रव्य डालते हैं, तो यहाँ पर क्या बोला है वाग्भट ने, कुमकुम अर्थात केसर, कुमकुम अर्थात केसर का लेप लगाना है शरीर पर स्नान करने के बाद। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद क्या करना है, अगरु धूपित, अगरु का धूपन लेना है, धूप लेना है अगरु का, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, जब आप हम लोग जनरली क्या करते हैं कि नहाने के बाद देखेंगे ये सब तेल मालिश सेटअप करने के बाद क्या करते हैं, फिर खाने की बारी आती है। अब खाने की बारी आएगी आपकी, रसान स्निग्धन पलम पुष्टम गौड़म अच्छा सुराम सुराम, अर्थात रस अर्थात स्निग्ध रस वाले जो मांस होते हैं उनका सेवन के लिए बोला है। पलम मीन्स होता है मांस, पलम मीन्स मांस होता है, कौन से मांस, स्निग्ध रस वाले मांस का सेवन करना है। साथ ही साथ पुष्ट गौड़म गौड़म अच्छा सुराम सुराम, तो उसके बाद देखेंगे पुष्टि, उसके बाद देखेंगे कि सुराम सुरामंड या सुरा का सेवन करना है, तो स्निग्ध रस वाले जो मांस का सेवन है, साथ ही साथ कुछ सुरा का सेवन बताया गया है अर्थात मदिरा है इत्यादि मदिरा मांस का सेवन करना है, इस हेमंत ऋतु में बोला गया है। उसके बाद देखेंगे क्या बोला गया, गोधूम पिष्ट, गोधूम मतलब गेहूं, गेहूं पिष्ट मतलब पिष्टी, मांस मतलब उड़द इच्छू और क्षीर के जो विकृत तथा प्रोडक्ट है उनको सेवन करना है। डिपेंड करता है कि व्यक्ति शाकाहारी की मांसाहारी, पहले वाला जो लाइन है वो मांसाहारी व्यक्ति के लिए है, दूसरा वाला जो है शाकाहारी व्यक्ति के लिए, दोनों अलग अलग बता दिया है। उसके बाद देखेंगे नव अन्नम वसा तैलम, नवीन नए अन्न का सेवन करना चाहिए, नया अन्न गुरु होता है, गुरु होता होगा तो कहीं ना कहीं सच्चे से पच जाएगा हेमंत ऋतु में, तो नव अन्न नवीन अन्न वसा तैल इत्यादि का अच्छे से सेवन करना है, खाना पीना है। शौच कार्य सुखोदकम, अगर लैट्रिन वोट्रिन जाना है, शौच कार्य शुद्धि करनी है, तो गुनगुने जल से शौच कार्य की बात कर रहा है, शौच विधि गुनगुने जल से सुखोदकम मतलब गुनगुने जल से बोल रहा है, उष्ण जल से। उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से सोने की व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात जो उसका बिस्तर होना चाहिए सोने के लिए कैसा होना चाहिए, प्रवार, कुछ द्रव्य होते हैं जो कि उष्ण होते हैं, प्रवार प्रवार जिन प्रवार अजिन, प्रवार है अजिन है कौशेय है प्रवेणी है कौचव है से युक्त ये जो है बिछा जो बिस्तरा होना चाहिए, तो इस तरह से उन्होंने बात किया है। अब हम लोग ये बातें आते हैं कि जठराग्नि की प्रबलता हेमंत ऋतु में क्यों होती है,
क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि मांस का सेवन कर रहे हैं, मदिरा का सेवन कर रहे हैं, खूब दबा के खा रहे हैं, ऐसा बात कहा गया है। तो देखेंगे बलिन सीत संरोधम हिमंते प्रबलो अनलय, अर्थात बलवान व्यक्ति में शीत का संरोध हो जाने से, शीत के द्वारा जो होता है अग्नि का संरोध, अर्थात अग्नि बाहर नहीं निकल पाती है जब ठंड की ऋतु में, तो प्रबलो अनल, तो जो उसकी अग्नि होती है प्रदीप्त हो जाएगी, अर्थात जो शीत होती है शीत की वजह से वो अग्नि बाहर निकल पाती है, जिसकी वजह से उसकी अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे भवती अल्पेन इंधनो धातुनो श पचेत वायु नेत्र, अगर जब देखते हैं कि इस हेमंत ऋतु में जब अग्नि प्रदीप्त है और वायु के द्वारा और अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, जो कहते हैं ना कि समान वायु जो है अग्नि को प्रदीप्त करती है, तो समान वायु के द्वारा अग्नि और प्रदीप्त हो जा रही है, तो उस स्थिति में अगर ईंधन अल्प है, अर्थात उसको लघु भोजन देंगे, अगर उसको लघु भोजन देंगे तो क्या करेगा, धातुओं का पाचन करने लगेगा, धातुन सब पचेन, धातुओं का पाचन करने लगेगा, इसलिए यहाँ पर मांस रस का सेवन बोला गया है। यहाँ पर गोधूम पिष्टि ये कहने कहीं गरिष्ठ भोजन है, ये गुरु भोजन है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद देखेंगे अतो हिमे अस्मिन सेवेत स्वादु अम्ल रसान, इसलिए हिम अर्थात हेमंत ऋतु में क्या सेवन करते हैं, मधुर अम्ल लवण रस का सेवन करते हैं। मधुर अम्ल लवण रस जो होता है वो गुरु होता है, ये गुरु द्रव्य में काउंट होता है मधुर अम्ल लवण रस। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हेमंत ऋतु में संभोग स्त्री, तो स्त्री कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बोला गया है कि पीवर उरु स्तन श्रोणी समदा प्रमदा प्रिया हरंती शीतम उष्ण अंगयो धूप कुमकुम यौवने। तो अच्छे सुनिएगा कि पीव मतलब होता है पुष्ट, हृष्ट पुष्ट, जो स्त्री होनी चाहिए हृष्ट पुष्ट होनी चाहिए, उसके उरु अर्थात उरु जिसको हम लोग थाई बोलते हैं, स्तन श्रोणी और मद से युक्त होने चाहिए और सुंदर होने चाहिए, प्री मतलब सामने वाले के लिए सुंदर होने चाहिए। और उसके बाद देखेंगे कि धूप और कुमकुम से युक्त उसका यौवन होना चाहिए, और कहने कहीं उष्ण अंग वाली जो स्त्री होती है वो शीत को हरती है, शीत को हरती है, तो शीत हरंती बोला गया है स्त्री को। अब उसके बाद लास्ट में बात करते हैं कि हेमंत ऋतु में प्रशस्त गृह किस तरह के घर में रहने की विधान वाग्भट ने बोला है कि अंगार ताप संतप्तम, ऐसे घरों में रहना चाहिए जहां पर लकड़ी या अंगीठी जल रही हो, अंगार तापम संतप्तम, अर्थात ऐसे घरों में शयन करना चाहिए, रहना चाहिए जहां पर अंगीठी जल रही हो। देखते हैं ठंड के मौसम में अंगीठी या आग जलता ही रहता है, तो इसलिए बोला गया है, या क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होता है। देखेंगे या गर्भभू वेश्म चारिडर, या गर्भभूमि मतलब गर्भभू मतलब क्या होता है कि एक घर के अंदर बने हुए दूसरे घर में रहा जाए। उसके बाद देखेंगे शीत पारुष्य जनितो न दोषा जातु जायते, तो ऐसे घर में अगर व्यक्ति रहेगा तो क्या होगा, शीत अर्थात ठंड और परुषता जनित रोग, शीत और कठोर, शीत ठंड की वजह से जो कठोर जो दोष उत्पन्न होते हैं, न दोषा जातु जायते, तो जो भी रोग होते हैं वो उत्पन्न नहीं होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका जो फर्स्ट लेक्चर है आपके सामने क्लियर कर लिया है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पे नए हैं। धन्यवाद।